पृथ्वी के नीचे क्या है, ये प्रश्न जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि इस प्रश्न के दो मतलब हैं। पहला तो ये कि पृथ्वी के नीचे यानी हमारे पैरों के नीचे क्या है, आप में से बहुत से लोग इस प्रश्न का उत्तर तो जानते होंगे। और दूसरा ये कि पृथ्वी के नीचे यानी पूरे ग्रह के नीचे क्या है, मतलब जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष में से देखते हैं तो हमें पृथ्वी ग्रह के नीचे क्या दिखाई देता है। अब अगर आप ये सोचते हो कि हमारे पैरों के नीचे क्या है, और यदि आप ये सोचते हो कि पृथ्वी को खोते खोते क्या आप पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में निकल जाओगे, तो आज मैं आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर किए देता हूँ। हालांकि कई को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा, पर चलिए इस प्रश्न का उत्तर तलाशते हैं। इसके लिए हमें पृथ्वी की संरचना और पृथ्वी की आकार को समझना पड़ेगा। सबसे पहले पृथ्वी के आकार की बात कर सकते हैं। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है और यह अपने ध्रुवों पर चपटी सी है यानी सपाट सी है, इसलिए पृथ्वी के आकार को अंडाकार भी कहा जाता है। बात करें पृथ्वी की संरचना की, तो पृथ्वी की संरचना विभिन्न परतों में बटी हुई है, बिल्कुल प्याज की तरह जो कई परतों में बना हुआ है। सबसे पहले पृथ्वी के केंद्र के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे कोर भी कहते हैं। कोर पूरा मेटल से बना हुआ होता है, जहाँ का तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। यह पृथ्वी का सबसे डेंस भाग है। कोर के ऊपर मेंटल की लेयर होती है और उसके ऊपर क्रस्ट की लेयर। और अगर आप ये समझते हो कि पृथ्वी पर स्थित जमीन, समुद्र, पहाड़ ये सब एक सपाट सतह पर है, तो आप बहुत ही गलत हो। ये जितने भी पहाड़, समुद्र और ये जमीन है, ये सब गोल पृथ्वी के पृष्ठ यानी कि पृथ्वी के वक्र पृष्ठ पर स्थित है। और हम भी और ये सब चीज गुरुत्वाकर्षण द्वारा केंद्र की ओर आकर्षित हो रही है। अब अगर पृथ्वी के जमीन को खोदना शुरू करोगे, तो आप पृथ्वी के विभिन्न परतों से होते हुए कोर की तरफ पहुंच जाओगे, जहां तापमान सूर्य की सतह जितना गर्म रहता है। और ये बात केवल कल्पना में ही संभव लगती है कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं, पर जानकारी के लिए हम अपनी कल्पना को चरम तक ले चलते हैं। कोर तक पहुंचने के बाद यदि हम कोर से बाहर निकलने के लिए दूसरी ओर यानी बाहर की ओर गड्ढा करते जाएंगे, तो हम पृथ्वी के एक वक्र पृष्ठ पॉइंट से दूसरे वक्र पृष्ठ पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। जैसे अगर हम भारत के किसी स्थान पर यदि एक स्ट्रेट टनल खोद दें, तो वह साउथ अमेरिका के किसी पॉइंट पर खुलेगा। यदि आपको अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप एक बॉल या एक ग्लोब लें और उस पर किसी कंट्री के एक पॉइंट पर स्ट्रेट होल बनाइए, और ये होल बिल्कुल आर पार बनाइए, तो आपको मेरी ये बात बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। ध्यान रहे कि हम ऐसा प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, ये सब बातें समझने के लिए हम केवल ऐसा कल्पना कर रहे हैं। अब तक मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे गहरा गड्ढा सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही खोदा है, जो रूस में है। उसका नाम कोला सुपर डीप बोर होल है। अब हमने इस प्रश्न का एक पहलू तो जान लिया, अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न के दूसरे पहलू पर कि हमारे पृथ्वी ग्रह के नीचे क्या है, यानी जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी के नीचे क्या दिखाई देता है और पृथ्वी के नीचे क्या है। तो आपको मैं यह बता दूं कि पृथ्वी के नीचे लगभग पूरा वैक्यूम है, यानी कुछ भी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी सोलर सिस्टम में है और ये सोलर सिस्टम गैलेक्सी में है। तो गैलेक्सी के कुछ एलिमेंट जैसे धूल, बहुत ज़्यादा दूर के स्टार जैसे संरचनाएँ पृथ्वी के नीचे हो सकती है, वो भी बहुत दूर, पृथ्वी के नीचे से बहुत दूर, पृथ्वी के इन पॉइंट से बहुत दूर। तो अब आप इस प्रश्न की ओर लेकर कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारे पृथ्वी के नीचे क्या है। मैंने आपको इन दोनों ही पहलुओं का उत्तर दे दिया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भ्रम दूर हो सके। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।